पहली दफा हमारे पास कोई आर्म uh, फोर्सेस है तो थैंक यू सो मच वी वर द फर्स्ट वन टू गेट समरीन 64 में अच्छा हमारे बाद इंडिया ने शुरू किया हम पूरे रीजन में हम सबसे पहले थे hmm. जिन्होंने समरीन सर्विस शुरू किया तो एक्चुअली समरीन के बारे में कहते हैं समरीन इज जॉब नहीं है इट्स अ वे ऑफ लाइफ और आज अलहमदिल्ला ये आम पब्लिक के लिए मौजूद है हमारी जो हीरो समरीन है उसकी वजह ये होती है कि जब आप दुश्मन के इलाके में होते हैं तो यू डोंट डिक्लेयर के यार हॉस्टाइल एक्टिविटी कि हमने कहा नहीं हम टो करके नहीं जाएंगे इंडियन ने हमें Hmm. देख लिया तो हमारी इज्जत ही कोई नहीं रहेगी कैप्टन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द बोट उसको सबसे मुश्किल काम होता है ही कैन नॉट लीव इज चेयर टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल गई है कि आप ये तक बता सकते हैं कि यह जहाज जो जा रहा है ऊपर इसका इंजन में कौन कौन सी खराबी है यह वीक इंजन है ज्यादा है ये तक टेक्नोलॉजी बढ़ता और वो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद पहला ऐसा हुआ कि किसी समरीन ने जहाज डुबोया इट वॉज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप वेपन ये नहीं होता कि टेंशन होगी तो लोड करेंगे वेपन ऑलरेडी लोडेड होते हैं Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. हम अभी भी कराची में हैं and we have a very very big guest today, Vice Admiral Shah Suhail Masood sir. Thank you so much for being on the podcast. Uh, sir, पहली दफा हमारे पास कोई uh, armed forces है तो thank you so much हमारे इतने अभी हम offer भी discuss कर रहे थे सवालात होते हैं इतनी interesting you know जिंदगी आप लोग गुजारते हैं तो इससे शुरू करते हैं कि आप एक submariner थे आ, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं क्या ज़िंदगी होती है सबरीन में और क्या क्या वॉट इज़ देट लाइक बसमिल रहीम थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग आई थिंक मुझे अब अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा मैं स्टाफ कॉलेज कोयटा में गया और मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा था तो मैंने कहा यार आई एम फ्रॉम अ साइलेंट सर्विस बेसिकली दुनिया में सबरीन सर्विस साइलेंट सर्विस कहलाती है और खामोशी रहती है क्योंकि जब अगर हम बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे द मोमेंट यू ट्रांसमिट यूर गॉन सो वी आर ट्रेंड फॉर दिस के हम जो है ना बोले नहीं बहर लाइफ इज़ डिफरेंट तो एक्चुअली <laughs> समरीन hmm. तो, के बारे में कहते हैं समरीन इज़ जॉब नहीं है इज्स अ वे ऑफ लाइफ और दुनिया में एस्ट्रोनॉट्स के बाद जो है सबसे जो टफ कह लें अनचुरल बिल्कुल टफ़ तो लोगों के जहन में कमांडोज आ जाते हैं और फ्लाइंग और ये सब चीज़ें आती हैं इट इज़ नॉट टफ बट इज़ अन नेचुरल यानी कि आप सोचिए कि आप तीस दिन नहाएँगे नहीं तीस दिन आप सूरज नहीं देख रहे हैं एक जिस ये मेज़ जितनी जगह पे आपको पूरा महीना गुजारना है फिर लोगों को खुश भी रखना है तो सारी इन्वयमेंट में अभी भी यानी दुनिया में अगर वॉल्टियर्यर्यर्यर्यर्यर्स की प्रॉब्लम है तो समरीन सर्विस में ना और कहीं एस्ट्रोनॉट्स को प्रॉब्लम नहीं है वॉल्टियर्स की कमांडोज़ को प्रॉब्लम नहीं है वॉल्टियर्यर्यर्यर्यर्यस की किसी भी जगह नहीं बट समरीन सर्विस में प्रॉब्लम है तो ये एक लाइफ थी लेकिन जज्बात जो थे इंसान के कि मुझे याद है ये बात एट्टी फाइव की बात है कि एट्टी फाइव के अंदर उस जमाने में लोग समरीन में जाना नहीं चाहते थे तो एक हमारे एडमल साहब थे उन्होंने डिसाइड किया कि यार ऐसे नहीं जा रहे लोग तो हम उनको नॉमिनेट करेंगे तो हम लोग चौदह लड़के नॉमिनेट हुए थे समरी सर्विस में तफाक से और उसमें से कोई भी रहने के लिए तैयार नहीं था आपका दिल था उस टाइम उस वक्त मैं उस वक्त मेरा जो था कि मैं सिर्फ एक वजह से नहीं जाना चाहता था कि यार वहाँ नहाने को नहीं मिलेगा बस और मेरी कोई वजह नहीं थी तो मैंने वॉल्टियर नहीं किया और उस ज़माने में जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया था बहुत हाई किया होता था तो मैंने कहा मेरी तो बारी आएगी नहीं तो मैं बड़ा इतमान से था बट मुझे क्या पता था सबसे पहले मेरी बाड़ी है और बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ क्योंकि वो कहते हैं ना बिल्ली के खवा में छीछड़े तो मेरे मेडिकल का सिग्नल आया तो मैं बड़ा खुश हुआ मैं समझा मैं कि बाहर जा रहा हूँ मेडिकल कराने के लिए वो पता चला बाहर नहीं जा रहे हैं आप तो समझ सर इसके लिए <laughs> मेडिकल आपका हो रहा है तो एनी anyway, वे तो बहरहाल वो चले गए जब मैं चला गया तो उस वक्त मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हुई और मैंने कहा यार मुझे कहते हैं ना कि मैं अल्लाह ने भेजा है मुझे ठीक है आई वॉल वेरी हार्ड और मैंने उस जगह से मोहब्बत कर ली जैसे कहते हैं ना जगह से वाकई मोहब्बत करना तो मैंने वाकई समरीन सर्विस से मोहब्बत कर ली और आज तक वो मोहब्बत कायम है मतलब पूरी नेवी जानती है कि मैं आ, कितना और ये बात कैसे डेवलप हुई कि जब मैं पटारों में पढ़ता था तो मेरे उस्ताद मुझे बहुत अच्छे उस्ताद मिल गए अल्लाह उनको जान तसीब करे बहुत ही रूहानी आदमी थे तो वो हमसे कहा करते थे बेटा जो भी काम करो मोहब्बत से करो उससे प्यार करो और एक वो बड़ा शेर भी पढ़ा करते थे जो कि एन का जो है ना वो है मोटो भी है कि कस्बे कमाल कुन के अजीज़ जहाँ शवी कोई ऐसा कमाल करके दुनिया दुनिया तुझे अजीज़ जाने तो मैंने भी कहा यार अब आ गए तो अब जो है ना इन कुछ करके ही निकलेंगे तो अलहमदल अल्लाह ताला ने मेरे जो है ना और लोग पूछते थे अच्छा मज़े की बात ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है मुझे अल्लाह ने चांस दिया सऊदी अरब में तीन साल में रहा हूँ तो मैं बड़ा यंग सा लेफ्टेंट था और लेफ्टेंट को क्या कुछ इतना खास आता भी नहीं है तो मुझे वो डिफेंस स्ट्रेटी वगैरह घर गर में बुलाते थे तो उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता था कि जब तक वो खाने वगैरह इंतजाम करें तो ये लेफ्टेंट हमारे मेहमानों को इंटरटेन कर दें उनको जैसे ही पता चलता था कि यार मैं आई एम फ्राम समर इन सर्विस तो वो फिर उनके जोक शुरू हो जाते थे कि तुम यू आर अडल्टी और दिस दैट बट आई वॉज एट यंग एज ऑल्सो आई यूज टू आई वॉज एबल टू यू नो इंटरटेन दैम बिकॉज एवरीबडी वॉज इंटरेस्टेड अभी लोग मिलते हैं आपको समरीन में नज़र आता है कुछ अब हमको समझाना पड़ता है कि भाई नज़र कुछ नहीं आता इस लाइक अ ब्लाइंड डॉल्फिन यू नो कि आप जो है वो सुन सकते हैं लेकिन देख कुछ देख नहीं सकते कुछ भी ठीक है तो ये लोगों को तस्वुर नहीं आता कि और नीचे है अंधेरे में वैसे भी कुछ नज़र नहीं आता तो ये तो खैर वॉर सममरीन होती है इसमें तो सब इक्विपमेंट आप रिलाई करते हैं तो सुनने पर हमारा बड़ा गौर ज़ोर होता है और ये शायद आप लोग को पता नहीं होगा कि हमारे यहाँ दुनिया में हर जगह एक कंपटीशन होता है उसे सोनार टेप लिस्निंग उसको जो बंदा बेस्ट होता है उसको गोल्डन एयर का एक अवार्ड दिया जाता है हमारे यहाँ भी होता है बिकॉज ही इज़ द वन वो जो आ, सुनने के बाद जो है वो रियलाइज करवाता है कि आ, ये मछली है ये आपके पौधों से आवाजें आ रही हैं अगर मछली तो कौन सी टाइप की ये प्रोपेलर है शिप है यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल गई है कि आप ये तक बता सकते हैं कि ये जहाज़ जो जा रहा है ऊपर इसका इंजन में कौन कौन सी खराबी है ये वीक इंजन है ज़्यादा है ये तक टेक्नोलॉजी so, है तो बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन और हमें टेक्नोलॉजी की बात की हमारी जो सब हैं या हमारी नेवी इन जनरली कंपेयर टू मतलब बाकी जितने मुल्क हैं इंडिया ओबियसली यू एस नेवी टू माइट बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड लेकिन हमारी नेवी कहाँ रैंक करती है और हमारी सबमरीन्स मरीनस किस लेवल की हैं देखिए अलहमदिल्ला देखें नेवी तो का ये कि एवोल्यूशन फेज़ होता है नेवी का कि हम टेक्नोलॉजी के अब्रेस रहना चाहते हैं शुरू में क्या होता है इसीलिए कहते हैं कि नेवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोनॉमिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा बिकॉज ये सारे काम डॉलर्स के सारे चीज़ें चल रही हैं हमारी पेट्रोल डीजल पे चल रही है या इलेक्ट्रॉनिक पे चल रही है तो हमारी टेक्नोलॉजी आई एम वेरी हैप्पी टू टेल पीपल के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम जो स्ट्रेंथ है जो उसको हम कवर करते हैं प्रोफेशनलिज्म से इस पूरे एरिया में इंक्लूडिंग इंडिया, वी वर फर्स्ट वन टू तो गेट 64 में. अच्छा। हमारे बाद इंडिया ने शुरू किया, किया और हमारे बड़ों को बड़ा क्रेडिट जाता है इस बात का उन्होंने जिस तरह किया और बेस लाइन जो सेट की वो मतलब नो मैच उन्होंने साउंड हमें टर्किश ने ट्रेंड किया हमारी पहली समरीन जो आई थी वो आई थी अमेरिकन फ्लीट टाइप समरीन थी जिसका नाम गाजी था जो कि सेवेंटी वन वॉर के अंदर शहीद हो गई उसमें नाइनटी थ्री लोग थे सब शहीद हो गए लेकिन उसी दौरान फिर अल्लाह ने चांस दिया कि हम लोग को दोबारा जो समरीन आई फ्रेंच समरीन डेफनी क्लास कहलाती थी उसमें एक समरीन थी हंगोर क्लास समरीन जो कि अल्लाह तला ने मुझे भी चांस दिया उसको कमांड करने का और वो समरीन थी जिसने आ, इंडिया का जहाज़ डुबोया था और उनके फौरी तौर पर जहाज के दो टुकड़े हो गए और वो डूब गया जहाज था उनका और उसके बाद एक जहाज को उसने ज़ख्मी भी किया और वह बहरलनाट अंट, कमांड होकर चला गया तो इसलिए जो जिसे कहते हैं ना बैलेंसड आउट हो गए सेवेंटी वन के अंदर लेकिन उसके बाद फिर सिलसिल चलता रहा लेकिन एक दफ़ा प्रोफेशनलिज्म जिसे कहते हैं ना समरीन का एक जो हमारे बड़ों ने सेट कर दिया था वह अल्लाह का शुक्र अभी तक चल रहा है आपने अभी बात की कि 64 में हमें जमरीन बनी 65 में हमारी जंग हुई अभी रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट भी इस पर किया पाकिस्तान नेवी की ओवर द ईयर क्या सबसे बड़ी बैटल्स थी आ, एक तो वो फॉर एग्जाम्पल सिक्सटी फाइव में डोरका जी दौर्का। उस तरह की कि कितनी हमारी बैटल्स हो चुकी हैं और शायद सबसे मशहूर या सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें थी असल में सिक्सटी फाइव में तो हमारा आप एवरीबडी नोज के द्वारकैपे जाकर उन्होंने अटैक किया और वापस आ गया उसके बाद जब सेवेंटी वन वॉर के अंदर जब हमारा जो एक्वेजन और वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहला ऐसा हुआ कि किसी समरीन ने जहाज डुबोया इट वॉज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ठीक है और उससे आपको बताए गए एक लोगों के जैसे कहते हैं जिन्होंने बनाया होता है दे फील वेरी प्राउड तो डेफिनी क्लास समरीन जो है ना माशाल्लाह फ्रेंच ने बनाई थी और लेकिन इट इज़ वर्ल जैसे कहते हैं वॉर प्रूवन समरीन और उसने सेवेंटी के अंदर प्रूव भी किया और ये हमारा अच्छा दूसरा समरीन सर्विस में और दूसरी सर्विस में थोड़ा सा फ़र्क ये भी है कि समरीन सर्विस में आप हर वक्त तैयार रहते हैं आप वेपन ये नहीं होता कि टेंशन होगी तो लोड करेंगे वेपन ऑलरेडी लोडेड होते हैं बिल्कुल ठीक है और सबसे पहले ही कहते हैं फर्स्ट थिएटर में वॉर को जाने वाली समरीन सर्विस और लास्ट में आने वाली बिकॉज हमारी कोई स्पीड तो इतनी ज़्यादा होती नहीं है तो कैलकुलेशन करके आप पहले निकलते हैं और वापस भी सबसे लेट ही आते हैं तो कहते हैं फर्स्ट टू तो गो एंड लास्ट टू कम वाला हिसाब यहाँ पर रहता है तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस और हम बड़ा हर साल नौ दिसंबर को ये हम सेलिब्रेट करते हैं समरीनर सारे खास तौर पे जिन्होंने सर्व किया अंगोर क्लास समरीन पे उसको हम कहते है हैं हंगोर डें और लकली मतलब हमारी वो जो समरीन पे पेजर्व करके आज म्यूजियम में रखी हुई है और लोग जागे देते हैं अच्छा ये भी म्यूजियम वाला कॉन्सेप्ट भी, भी आई वुड लाइक टू आ, टेल पीपल के दुनिया में बड़े बड़े मुल्क भी बीच करते हैं समरीनों को हमने देखिए इतना खर्चा करके समरीन को तीन सौ में डिवाइड किया तीन किस तरह लेकर आए पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ नहीं थी उसको म्यूजियम में शिफ्ट किया उसके लिए स्पेशल जगह बनाई उसके जो बैट बैठने की जगह को इम्प्रूव किया हम लोगों ने सारी चीज़ों को और आज अलहमदिल्ला ये आम पब्लिक के लिए मौजूद है हमारी जो हीरो हिरो सममरी और एवरीबडी इज़ यू नो प्राउड ऑफ दिस के जिसने ये काम किया अच्छा होता क्या है कि जो चीज़ जैसे बड़े बेस बना देते हैं तो हंगोर का बेस ऐसा बना कि वो आखिर तक जो है ना उसने प्रूव किया कि वो हीरो यानी मिसाल के तौर पे एफिशिएंसी टेस्ट होता है हर साल मुकाबला होता है जो जीतता है उसको अवार्ड मिलता है तो ये कंटिन्यू जीत के उसने परमिनेंट अवार्ड भी लिया हुआ है समरीन ने तो ये खास बात है समरीन की और आपकी पर्सनली वर सम ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जो आपने फेस किए लाइफ एट सी में आई थिंक uh, मैंने अलहमदिल्ला एक दफ़ा ऐसा हुआ कि uh, बाकी समरीन मेंटेनेंस में थी और uh, मेरी समरीन जो थे तो ऑपरेशनल थी तो मुझे कहा गया कि आपको शायद जाना पड़े ना uh, वॉर पेट्रोल पर पे। वॉर पेट्रोल जो होता है वो uh, आप जाते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए दुश्मन के इलाके में या इंटरनेशनल वाटर में आप जाते हैं तो मैंने अपने दिमाग में ये एज अ अंग सोच लिया कि यार मुझे तो नहीं भेजेंगे ऐसे ही मुझे ऐसे ही कह रहे हैं बट सडनली एक दिन सुबह सुबह मुझे ऑर्डर मिला कि आप तैयारी पकड़ें शाम को आपको जाना है मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार मैं तो मैंटली भी तैयार नहीं था और मेरा कुछ और भी काम चल रहा था समरीन में तो मैं तो रेडी नहीं हूँ लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं यार ये तो चैलेंजिंग काम है तो उस दिन मैं समझता हूँ कि मेरी जितनी ट्रेनिंग है मुझे काम आई बिकॉज़ आई बिकेम मैं कमांडिंग ऑफिसर भी बन गया और मैंने हर चीज़ अपने हाथ में ले ली और 12 बजने में चंद मिनट था क्योंकि वो हमें ऑर्डर मिलता है अगर 12 बजे अगले का तो इसका मतलब है बारह बजकर एक मिनट पर अगला दिन हो जाएगा और 12 बजने से पहले आप उसी दिन तो मैंने 12 बजने से पहले ही अपनी ज़मीन को कास्ट ऑफ करा के ले गया समुंदर में मैंने कहा बाकी काम समुंदर में होकर देखा जाएगा तो वो एक चैलेंजिंग मेरा बड़ा काम था और मैं आई स्टिल रिमेंबर के आपको मशीनरी को भी देखना है आपको लोगों को भी देखना है लोगों की फैमिलियाँ होती हैं उन्होंने खुदाफिस कहना है अच्छा हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट जब भी कोई जाता है समुद्र में तो वो नॉर्मली खुदा ऑफिस कह के जाता है यू डोंट नो यू विल कम बैक और यू नॉट कम बैक ठीक है उसकी वजह ये होती है कि जब आप दुश्मन के इलाके में होते हैं तो यू डोंट डिक्लेयर किया जाए हॉस्टाइल एक्टिविटी तो और इन्फॉर्मेशन भी गैदरिंग करनी है तो होती है और तीसरी चीज़ ये होती है कि आजकल के ज़माने में तो बड़ा कम्युनिकेशन वगैरह होती है लेकिन हमारे ज़माने में भी नहीं था और अभी भी नहीं हो सकती बिकॉज अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे तो नेचुरली डिटेक्ट हो जाएंगे ना तो इसलिए आप जब जाते जब भी समुद्र में आप जाते थे वापस आगे पता चलता था फ़लाँ दुनिया से चला गया फ़लाँ शादी हो गई जो भी है तो आपको बड़े एक तरह की कुर्बानियाँ है जो है ना ये कंपेयर टू बाकी जगहों के हमारे यहाँ आप कहीं भी जाएँ आपको कम से कम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो है यहाँ पैसा नहीं होता तो ये खास किस्म की जो है ना आपको मोटिवेशन चाहिए आपको एक जैसे कहते हैं ना कि मशीनरी से लोगों से मोहब्बत चाहिए माइंड सेट माइंड सेट चाहिए जो कि माइंड सेट हो जाए तो फिर आप दर इज़ नो प्रॉब्लम और आप जब यू नो यंगर लोगों से मिलते हैं अब जो नेवी ज्वाइन कर रहे हैं क्या क्या माइंड सेट है अगर आप बताएं मुझे दो तीन चीज़ें जो एक इंसान में होनी चाहिए अगर वो यू नो सब बन रहे हैं या लाइफ इट सी देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर तो उसको शौक है किसी एडवेंचर करने का तो तो ही शुड ज्वाइन लेकिन सिर्फ अगर वो समझ रहा है कि नौकरी अच्छी है और हमें जनाब सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने को मिलेगा वाइट यूनिफॉर्म और जनाब हम तो ना सिर्फ तो दैट इज़ आई थिंक इज़ नॉट करेक्ट नंबर वन इसलिए कि जब आप जाते हैं और दूसरा ये कि आपकी प्रायरिटी जो है ना उस वक्त सिर्फ ये होनी चाहिए कि आप कौन सा काम कर रहे हैं और आप जो काम कर रहे हैं वो मुब्बत से कर रहे हैं वरना छोड़ दें मैंने कई दफ़ा ऐसे हुआ है कई लड़कों को और मुझे दुआएं देते हैं अच्छी बात तो ये कि मैंने कहा देखिए आप आ गए थे समरीन में लेकिन आप यहाँ चल नहीं सकते तो लकली वो दूसरी जगह जाके बड़े सक्सेसफुल हुए और उन्होंने मेरा कहना माना मैंने बड़ी ट्रेनिंग देने की कोशिश की ये पढ़ो लेकिन जब मैं देखा कि नहीं गुंजाइश नहीं है तो उनको आज जो है वो माशा दे रहा सक्सेस सक्सेस नो तो ये समरीन में हर कोई नहीं चल सकता मिसाल के तौर पर एक अफसर था जो बहुत ही चीज़ों को याद कर लेता था एंड वॉज़ परफेक्ट यू नो बट वी रियलाइज़ कि यार ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि खुदा ना खुदान अगर इमरजेंसी होगी तो इमरजेंसी में असेसमेंट जरूरी है ना कि वो फिर एस ओ पी को फॉलो करें बिल्कुल बिल्कुल तो ये डेंजरस हो सकता है मतलब आप ये भी नहीं कह सकते एक लड़का पढ़ने में बहुत टॉप का है और उसने हर चीज़ प्रोड्यूस कर दी है तो वी हैड टू टेल हिम कि नहीं यार आप यहाँ नहीं चल सकते यू आर टू गुड ठीक है यू आर टू गुड फॉर दिस बिकॉज जब इमरजेंसी होती है तो आपको अपने हवास को पाख्ता रखना है चीज़ों को देखना है फिर देखना है कि यार इस वक्त ऑर्डर तो लिखा हुआ है कि इसको लेकिन प्रैक्टिकली ऊपर तो करके जाओ लेकिन असल में आपको नीचे करना है बिकॉज आपको नजर आ रहा है कि अंधेरा हो गया है तो ये सोशल चीज़ें जो हैं वो हम लोग बाकायदा जैसे मिसाल के तौर पर हम कोशिश करते हैं हर एक के पास बैटरी होनी चाहिए ताकि अगर खुदा न खासा अंधेरा हो जाए तो लाइट मार के चीज़ों को देख सके क्योंकि सर्टन सेकेंड्स के लिए या मिनट्स के लिए या घंटे के लिए तो इमरजेंसी हो जाती है ठीक है मेरे साथ भी हो चुका है इस तरह एक दफ़ा जिस तरह आपने चूँकि जिक्र किया कि आप बताएँ कि एक समरीन थी जिसमें मैं उसका सेकेंड हैंड कमांड था नंबर टू था अचानक उसमें आग लग गई अच्छा अच्छा आग लग गई तो ये क्लास अमरीन थी तो उधर पीछे से आवाज़ आना शुरू हो गई पीछे वाले तो सारे मर चुके हैं अच्छा उस वक्त आपको जो है ना थोड़ा अपने आप को तो लकली वी वर ऑन पेरिस्कोप डब थे हमने जल्दी से उसको थोड़ा ऊपर किया ताकि सर्फेस पर आ जाए लेकिन सी बहुत रफ था अब हम एडवाइस दे रहे थे कि अगर हम हैच खोलते हैं तो पानी आ जाएगा डूब जाएगी वो भी नहीं खोलना तो वो एक एक्शन था जो हम लोग का फिर हमने जिस तरह जिसे कहते हैं ना कि लोगों को जल्दी जल्दी पानी में मांस दे के ऊपर ले जा रहे हैं दो दो आदमी को सांस दिलवा रहे हैं वापस ला रहे हैं इट टुक लॉड ऑफ टाइम यू नो फिर अल्लाह का शुक्र हुआ जब हमने देखा कि नहीं भाई सब खैरियत से हैं कोई मसला नहीं हुआ यानी जो केबल जलने की जो थिकनेस थी वो पूरी ब्लैक जो है ना जमीन पर बिछी हुई थी अब मसला था कि अब इंजन तो फेल हो चुका है अब क्या करें अब वहाँ पर देखिए चैलेंजिंग का काम आ चैलेंज ये हुआ कि हमने कहा नहीं हम टो करके नहीं जाएंगे इंडियन ने हमें hmm. देख लिया तो हमारी इज्जत ही कोई नहीं रहेगी हमने कहा किताबें निकालो भाई किताब hmm. तो हमने फिर वो पूरी इसको बाईपास करके डायरेक्ट hmm. करके थोड़ा थोड़ा करके आसते आते हम जाएंगे पहुंचेंगे और इस दौरान हमने लोगों को अपने सेहत क्योंकि इतफाक से डॉक्टर होते नहीं है मेडिकल वाला नहीं होता आप यू हैव टू एक्ट एज अ डॉक्टर आल्सो यू हैव टू एक्ट एज अ मेडिकल असिस्टेंट आल्सो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को हमारे पास छोटा मोटा इक्विपमेंट होता है एम्बू होता है सांस दिला दिया ये कर दिया दवा दे दी तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इट टू का मेनी आर्ट यू नो टू किसे कहते हैं ना फिर जब बारी आई तो मैं ये कह सकता हूँ लोगों ने कहा नहीं आप भी चूंकि मैं सेकंड कमांड था तो मैं भी डिजर्व करता हूँ मेडल शेडल ये वो मैंने स्टेट में कहा कि नो आई वुड लाइक कि मेरे ये दो तीन बंदे हैं जिन्होंने एक्शन मारा था कि जिसने फौरी तौर पे लाइट को बेहाल किया ताकि रोशनी आ जाए इसने ये किया इनको आप दे दें और इनके लिए मैं फाइट करूंगा बाकी हमें जरूरत नहीं है इन चीज़ों की तो ये इंसिडेंट छोटे मोटे हो जाते हैं वो हम भी नॉर्मली हम लोग शेयर नहीं करते लेकिन मजे की बात यह है कि दुनिया में आ, जिस तरह मेडिकल कॉन्फ्रेंस होती है जिस तरह आपके टेक्निकल कॉन्फ्रेंस इस तरह समरीन कॉन्फ्रेंस होती है एवरी ईयर अच्छा और नेचुरली वो जो बिग शॉट्स हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया लाइक जापान लाइक अमेरिकन ये लोग होस्ट करते हैं हमने भी कोशिश की थी लेकिन हमारे सिक्योरिटी की वजह से इतना वहाँ जाके लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ताकि दूसरे को सेफ्टी तो इसलिए एक लैक सेल्सो है कि देर इज नो फ्लैग अंडर वाटर यानी अंडर वाटर खुदा ना खास्ता किसी को तकलीफ हो तो हमें भी तकलीफ होती है चाहे वो रशियन हो चाहे वो यूक्रेनियन हो चाहे वो कोई लेकिन भी टॉप सीक्रेट नहीं होता अगर आप जाके कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि मैं इंडियन वाटर्स में था और इस तरह मसले होता है असल में हम ये नहीं बताते हम ये <laughs> कहते हैं हम जैसे मिसाल तो अमेरिकन ने शेयर किया कि स्टेट ऑफ हरमोस से गुजर रहे थे तो शिप प्रेशर में आके ये प्लेट टूट गई ठीक है ना तो ये नहीं बताया कौन सी समरी में कौन सी थी ये नहीं बताएंगे हम लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि भाई जैसे हमारी एक छोटी समरीन थी वो डूब गई और छोटी सी थी तो मैंने उधर जाके प्रेजेंटेशन दी मैंने कहा देखें आपके पास तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है दुनिया के हमारे पास आप इसके

आपने एज अ सबरीनर अचीव किया या नेवी में जनरली ऑन द फ्रंट जो बंदा अचीव करता है मैं हमेशा ये सोचता था और आई एम श्योर हमारे लिसनर्स भी सोचते होंगे कि आप जब रैंक्स के ऊपर जाते हैं तो फिर तो डिफरेंट क्वालिटीज़ आगे आना शुरू हो जाती है ना लीडरशिप एक ब्यूरोसी ऑफ सॉर्ट्स आपको बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है कैसे एक बंदा राइज करता है अप द रैंक्स इन दियासज़ पाकिस्तान में या कहीं भी एक्चुअली बड़ी मतलब बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और अगर ऐसा ना हो ना hmm. तो आ, सबसे बड़ी ट्रेनिंग यही है मिसाल के तौर तो, मैं जस्ट टू आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बताता हूँ hmm. कि समरीन के अंदर सेकेंड हैंड कमांड जो होता है ही सपोज टू नो एवरीथिंग यानी उसको कैप्टन को आ, फायर कंट्रोल सोल्यूशन भी बताना है hmm. कोई लड़का बीमार हो गया तो उसको भी जाके देखना है hmm. अगर जमरीन में कहीं स्मोक निकल आया आगे उसको भी जाके देखना है अच्छा लेकिन द मोमेंट ही क्वालिफाइड टू बिकम कैप्टन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द बोर्ड उसको सबसे मुश्किल काम होता है ही कैन नॉट लीव इज चेयर अब एक्चुअली एक्चुअलीपेंड कि आपको अपने आप को जिससे कहते हैं ना बांध के रखना पड़ता है hmm. और ये ये ट्रेनिंग जो मैंने आपसे जिक्र किया ये अलहमदिल्ला मेरे हर जगह काम आई मैं जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहा जैसे इस्लामाबाद में एक जगह hmm. था तो मेरे उसमें ब्लास्ट हो गया तो मैंने अपने बजाय ब्लास्ट की जगह जाने के मैं अपने ऑफिस में भागता हुआ गया ताकि वहां से कंट्रोल करूँगा mm. ठीक है वही ट्रेनिंग थी मेरी जो समरीन के अंदर थी इस तरह जब समरीन में मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था आग लगी तो सेकेंड हैंड कमांड मैं भागता फिर रहा था कैप्टन को कहा वो नहीं कैप्टन जो है वहीं बैठेगा जहां पर हमें दिमाग चाहिए mm. ना तो ये जो आ, फौज की जो सबसे अच्छी बात है ना कि हर स्टेज पे आपको छोटा सा कोर्स कराया जाता है यानी एज अ यंग लेफ्टिट कमांडर आपको स्टाफ कॉलेज करा रहे हैं एज अ सब लेफ्टिनेंट जब आप जूनियर होते हैं जूनियर स्टाफ कॉलेज करा रहे हैं फिर उसके बाद और आप सीनियर होते हैं तो आपको स्टाफ ड्यूटीज़ एंड फील्ड आ, मैं फील्ड का बहुत शौकीन था बिकॉज मेरे जहन में था कि मैं फील्ड मैं आ, स्टाफ ड्यूटी करने का कोई शौकीन नहीं था ना तो लेकिन मेरी मजबूरी थी अगर प्रमोशन चाहिए आपको तो आपको स्टाफ ड्यूटी करनी पड़ेगी तो मैं एक साल लाहौर में रहा एज अ डायरेक्टिंग स्टाफ फिर मैं तो लेकिन उसके जब चेंजेस आती हैं आपके अंदर जैसे मिसाल के तौर तो पे इफ़ यू बिकम अ फ्लैग ऑफिसर आप एडमिरल बन जाते हैं तो सबसे मुश्किल आपका काम यही होता है कि आप अपने ऑफिस से नहीं निकल सकते आपको अपने काम को डेलीगेट करना है ना ये चीज़ सिखाई जाती है ये खुद ब खुद नहीं आती और ये अप्रिशिएट भी किया जाता है कि जो लोग अपनी पावर को डेलीगेट कर देते हैं और बर्दाश्त करते हैं बिकॉज काम करना मेरे नज़दीक आसान है काम करवाना मेरे नज़दीक बहुत मुश्किल है आपको पेशेंस चाहिए आपको सिखाना पड़ता है अगर मेरे उस्तादों ने मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर थे तो वो हमें दो घंटे के लिए बिठा लेते अपने पास और क्वेश्चन देते थे सीखो तो मैंने भी उनको कॉपी करने की कोशिश की कि भाई जब मैं कमांडिंग अफसर बना तो मैंने भी अपने जूनियर अफसर को कहा कि यार आ जाओ टेस्ट दो सिखाने की कोशिश की ना ये लकी होता है आदमी अगर आपको अच्छे कमांडिंग अफसर मिल जाए पढ़ाने वाले तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है फौज में ये बड़े तरीके से हो रही होती है आपको खुद पता नहीं चलता कि आप जहाँ जहाँ जा जाते हैं आपको इन्वामेंट ऐसा दिया जाता है प्रोसेस बहुत अच्छा है बिल्कुल बिल्कुल और ऐसा है कि मतलब हमें ये बताया जाता है और आई थिंक फैक्ट भी है कि ओबियसली आर्मी एयरफोर्स को बजट वाइज प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा मिलती है आ, कुछ कुछ हद तक उनको ज़्यादा इज्जत भी मिलती है नो द जनरल आवाम इसकी क्या वजह है और आपको लगता है नेवी अंडर फंडेड uh, है टू टू अदर देखिए सबसे पहले जो बात है ना जो वेरी अनफॉर्चुनेट जो uh, के हमारे यहाँ सी ब्लैंडनेस है कि एक हज़ार किलोमीटर हमारा कोस्ट है एंड इट इज नॉट एक्सप्लोर्ड अभी तक वर्जन बीच मौजूद है वहाँ पर ना हुँ. अच्छा दूसरी बैड लक हुई कि जब से पाकिस्तान बना है अयूब खान के ज़माने से हमारा काम डबल हो गया एन एयूब खान को भी हमें समझाना पड़ा था नेवी को कि भाई ये नेवी है ये डिफरेंट स्टोरी है और लकली उनको जहाज़ पे कोलंबो से लाया गया देन ही रियलाइज़ कि नहीं नहीं ज़रूरत है इसकी छोड़ दे अच्छा उसके बाद एक तो ये चीज़ है जो सीम लैंडनेस की वजह से दूसरा बजट की वजह ये है कि हमारी जो चीज़ें होती हैं इट्स इक्वमेंट यू नो वी आर टेक्नोलॉजिकली बेस्ड तो वो चीज़ें एक तो बहुत महंगी होती हैं ठीक है थीके? और जो मैंने बताया कि जो नेशन का जो माइंड है उसको चेंज करने के लिए हमारे एक चीफ साहब एडमिरल जफर महमूद अब्बासी साहब ने एक एक चैम्बर में जाके ब्लू इकोनॉमी पे ख़ुद लेक्चर दिया लेकिन आप देखें उसके असरा क्या थे मैं ख़ुद उस जगह मौजूद था दैट टाइम आई मैं बैरिया फाउंडेशन में हुआ करता था तो मुझसे एक चैम्बर के जो प्रेजिडेंट साहब हैं वो मुझसे कान में पूछ रहे हैं कि यार कोई शादी हॉल का प्लाट होगा हम प्रजेंटेशन दे रहे हैं एक बिल्यू अकनॉमी के ऊपर और उनके दिमाग में वो घूम रहा है वेरी डिफिकल्ट पीपल टू अप्रिशिएट तो मैं इवन वॉल्टियर करके आजकल कर लोगों की हेल्प करता हूँ मेरी टाइम टूरिज्म पे क्योंकि देखिए छोटा सा मालदीव जैसी जगह श्रीलंका जैसी जगह पर लोगों ने दे आर अर्निंग अरबों रुपये कमा रहे हैं और वजह और यहाँ बेचारे तरस रहे होते हैं आज मैं आपको कहता हूं कि आप सिर्फ शुरू करें देखिए इवन अब एक और अनफॉर्चुनेट हुआ वो ये हुआ कि लोग कराची में नॉर्मली नेवी वाले रिटायर होने के बाद कराची सेटल होते थे अब अनफॉर्चुनेटली जो नेवी से लोग रिटायर हों वो भी नॉर्थ में जाके सेटल होते हैं ठीक hmm. है उसकी वजह से भी थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है ख़ास तौर पर वो चीज़ें जो आप समझते हैं कि लाइक मेरी टाइम टूरिज़म है hmm. या और भी छोटे से मोटे काम हैं वो जो करना चाहिए ड्रेजिंग hmm. है और चीज़ें वो इस वजह से हो रही है और जब तक हम और ये कंटिन्यू चल रहा है नेवी ने वो बनाया अपना अवेयरनेस देने के लिए बड़े बड़ सारे इदारे बनाए और वो इदारे जो हैं वो इस्लामाबाद में भी हैं और कराची में भी हैं लेकिन मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा कि भाई थोड़ा सा प्रैक्टिकली आए तो फ़र्क पड़ेगा इन शाला आहसा क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट जो आपने बात की इस पर तो बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं और प्रेजेंटेशन दी जा चुकी है और वेरी सेंसिटिव इशू ऑल्सो क्योंकि समुंदर में जब लोग आते हैं तो उनको है रियलाइज़ होता है कि यार इज नॉट ईजी जॉब हम लोग जब जवान होते थे तो हमारे यहाँ जब विजिटर आते थे आर्मी वाले तो हम लोग कोशिश करते थे उस दिन समुंदर रफ हो जाए <laughs> अगर रफ ना हुआ तो ये कहेंगे यार ये, ये करते तो ये करते है। क्या अच्छा <laughs> दूसरा लोगों को ये नहीं पता हमें वाइट यूनिफॉर्म में देखते हैं लोग तो समझते हैं कि शायद हम समुद्र में भी वाइट पहुंच पहनते हैं <laughs> ऐसी बात नहीं है हमारा ये ड्रेस जो है वो फॉर लैंड है और इसका भी एक कहानी लोग सुनाते हैं मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं कि ये जस्ट टू इंडिकेट कि हम पीस लविंग लोगें ठीक है ना इसलिए वाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं और जाके क्या कहते हैं जब हम जैसे ही हम क्रॉस करते हैं हार्बर को तो वो उसका एक अनाउंसमेंट होता है रिक्श सी हुँ. तो समुंदर के आप तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना अपने चीज़ों को सिक्योर करते हैं दिस ऑल डिफरेंट स्टोरी आई थिंक एज वॉरफेयर चेंज मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि अब हम उस दुनिया में आ गए हैं कि ए आ गई है तो ये आ गया तो वो आ गया तो बस जंगें होंगी नहीं इंटरनेट पे जंगे होंगी और सोशल मीडिया की जंगे होंगी ये you know, लोगों की ये थीरियाँ होती हैं असल में मैं ए, लोगों से एक बात कहता हूँ कि यार हम जो फिल्में देखा करते थे स्टार ट्रैक की और इधर तो हम तस्वूर भी नहीं करते थे हम कहते थे यार ये फिल्में जस्ट अलूजन बट अल्लाह ते दिखाया आज हमारी समरीन में जो सुनार और जो सिस्टम फॉलो हो रहा है वो है जो स्टार ट्रैक में हुआ करता था ठीक है कि आपको वाटरफॉल्स बन रहे हैं वाटरफॉल्स आ रहे हैं वाटरफॉल्स से आप अंदाजा लगाएं uh -huh. कि जनाब कौन सी जमीन का है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है तो फला क्या आ रहा hmm. है कि किसी अच्छा इसी तरह लकली मैं गल्फ वॉर में सऊदी अरब में था नाइन्टीज में जब पहली गल्फ वॉर हुई तो जो किताब जो मैं अपने प्रमोशन के एग्जाम के लिए मैंने चीज़ें याद की थी hmm. आप सोचें नाइन्टीज में वो मैंने वहां प्रैक्टिकली देखा लाइक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट टोमोहक ये मैंने प्रैक्टिकल चीज़ें देखी कि ये हम पढ़ा करते थे यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते थे कि ये फ्यूचर बट अब तो टेक्नोलॉजी जो इतनी आगे चली गई है कि मतलब हमारे जो ऑफिसर्स हैं जैसे आप अभी आपने बात की कि रिक्वायरमेंट वो नहीं है कि पहले प, अब तो इतने पढ़े लिखों की रिक्वायरमेंट है बिकॉज बिकॉजिएशन अप्रीशिएट करना किसी चीज़ को भी वो उसके लिए जब तक आपकी नॉलेज ए की नॉलेज कंप्यूटर की नॉलेज इंजीनियरिंग की नॉलेज ये सब नहीं होगी आप जंग लड़ ही नहीं सकते तो उसके लिए और दूसरा नए जहाज़ आ गए हैं नई समरीने आ रही हैं और आपके वेपन जितने नए आ गए हैं और फिर आप रिसर्च खुद कर रहे हैं अल्लाह का शुक्र है हम लोग ख़ुद भी बना रहे हैं तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि जंग तो नेचुरली इक्विपमेंट के पीछे तो मैन ही रहेगा ठीक है ना और रोबोट जो है वो उसकी जगह चाहे वो कहते हैं ना कि अभी एयरक्राफ्ट के ऊपर जो अन पायलट आ जाएंगे यस बट किसी हद तक हंड्रेड परसेंट नहीं आएंगे जंग जनरली होनी चाहिए मतलब अगर मैं आपसे सवाल ही पूछूं आप देखें फोटीज की जंग 60's की जंग सेवेंटीज नाइनटीज की जंग, जंग पाकिस्तान जितनी जंग लड़ी हैं हमारे एक ही दुश्मन है प्राइमरली और अगर आप मुल्क देखें बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रॉस्पर कर रहे हैं दुनिया में आई नोप एक मिलटी मैन है लेकिन अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को देखें सिंगापुर को देखें सिंगापुर की आई थिंक एक मिलिशिया है जो आप, आप आर्मी के लिए ट्रेंड होते हैं लेकिन एक सिटिंग आर्मी उस तरह बजट्स नहीं स्पेंड होते क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी यू नो नेबर्स के साथ एक अच्छे टर्म्स पे कभी आ सकते हैं और अगर आ जाएं तो कुड वी स्पेंड ऑल ऑफ दस बजट जो लग रहा है आर्मी पे एयरफोर्स पे नेवी पे ऑन जस्ट एजुकेशन एंड 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 ट्रेड आई थिंक बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा मैं चाइनीज़ के साथ बहुत इंटरेक्ट करता रहा हूँ पंद्रह साल उनके किया तो उनकी चीज़ें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं हमें समझाते रहें चाइनीज़ के देखें सबसे पहले जो अगर आप इफ़ यू आस्क मी के इकोनॉमी भी सबसे पहले तोज्ज़ देनी चाहिए ठीक है ना और उस और ये नहीं कहते मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कभी भी कि आप अपने दुश्मन को दुश्मन ना समझें ठीक है आप दुश्मन को दुश्मन समझें लेकिन पहले तैयारी के जो आपके तरीक़ेकार होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए तो आपने बहुत अच्छा इसमें से बीच में से आपके सवाल के अंदर जवाब मौजूद है कि देखें इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग होंगे तो फिर ये जंग लड़ने के काबिल होंगे ना वरना अगर नहीं होंगे तो यही होगा कि हम छोटे छोटे पार्ट्स के लिए भी तरस रहे होंगे हुँ। जैसे अभी पिछले दिनों हम चंद डॉलरों के लिए हम परेशान थे तो ये होगा तो मैं शुरू से जब मैं यंग था जब भी चूँकि मैं सऊदी अरब में रहा था तो वहाँ भी मैंने तमाशा देखा और जो चीज़ देखा तो मेरे दिमाग में हमेशा से ये रहा कि यार सबसे पहली तो होना चाहिए इंसान इंसान को अपनी इकोनॉमिक्स से तो देनी चाहिए और हमें जो वो समझाते हुए ये आप इशू को मिस अब मैं छोटी सी मिसाल देने के लिए सिर्फ आपसे बात करूँगा कि चाइनीज़ के दो वो थे एक डायनेस्टी थी एक डायनेस्टी दूसरी डायनेस्टी को जब कब्जा कर लेती थी तो वो उनको अस्तबल में साइज लगा दिया ये कर दिया वो कर दिया लेकिन ये बादशाह जो था वो क्या करता था कि वो एक सुई के बराबर जहर अपने ज़बान पे लगाता था और कहता कि उसका गुस्सा जो ना बरकरार रहे तो सात आठ दस साल तक उसने ये किया जब दूसरा बादशाह भूल गया कि भाई ये तो उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीम को जहाँ जहाँ बिक्री थी इकट्ठा किया दोबारा हमला करके कब्जा किया हम ये नहीं कहते कि आप अपने इशूज़ को लकली आई हैडेड मैंने सिरक्रीक को हेड किया है पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के साथ मिलके और उनके हमने सोल्यूशन निकालना चाहते हैं ठीक है ना अब सोल्यूशन निकालने के लिए हमें सबसे देखिए जब स्ट्रॉन्ग आदमी होता है तो आप आ, अपने अच्छी फुटिंग के ऊपर नेगोशिएट करते हैं ना लेकिन जब आप वीक हो जाते हैं तो आपकी जो नगोशिएशन स्किल जो है ना खत्म हो जाती है तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले जो है ना देखें इकोनॉमिक्स पर तोजा देनी चाहिए और ये हमें पढ़ाया जाता है ये कोई मैं नई बात नहीं कर रहा मैं पढ़ाया जाता है कि आपके जो एलिमेंट ऑफ नेशनल पहाड़ हैं उस पर मैं one one उस पे वन बाई वन तो उसमें प्रायरिटी नंबर वन यही बनता है वरना अगर आप उल्टा कर देंगे तो आप ये बैलेंस जो ना आउट रहेगा ना ये बिल्कुल दिस इज वॉट आई थिंक पाकिस्तान मिलिट्री जो है आजकल के दौर में इट हैज़ सम फॉर्म ऑफ अ नेगेटिव इमेज जनरली पाकिस्तान में शायद वो इस यू नो नए मीडियम्स पे आ नहीं रहे वो पुरानी मीडियम्स पे डिस्कशन चल रही है शायद जो भी है एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द स्टेप्स नीडेड टू इम्प्रूव दैट रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द आर्म फोर्सेस अगेन और क्यों हम इस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ एक सॉर्ट ऑफ डिसकनिकट आना शुरू हो गया है हमारी तीनों मिलिट्री धारों से और पाकिस्तानी सिविलियन से देखिए इसमें मेरा जो ख्याल वो ये है कि मैंने अक्सर देखा है मैं कहीं भी मीटिंग में गया कि अगर आपको काम आता भी है ना अगर तो वो खामोश रहेगा कह गया नहीं ये मैं आई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ मैं तो सर्जन हूँ हमारी तरह नहीं जहाँ बैठेंगे आप तो लोग कहते हैं कि वो आपको दवा देना भी शुरू हो जाएगा आपको शायद फतवा भी दे दे शायद आपको और कुछ भी दे दे मेरा ये ख्याल है कि हमें जिसका जो काम है उसे करना चाहिए देखिए एक मेरा दोस्त थे वो जमीन पर उनको लेके गया सीनियर थे काफ़ी तो मुझे बड़े मासूम सवाल पूछते हैं कि ये बताइए कि अगर ये समरीन की कमांड मुझे दे दी जाए तो मैं क्या करूँगा तो मैं मुस्करा दिया मैंने कहा फिर आप डुबो देंगे तो फिर उन्होंने कहा फिर उन्होंने सवाल नहीं ज़्यादा दूसरा किया लेकिन मैसेज वॉज वेरी क्लियर कि जिसका काम है उसको अगर आप करने देंगे तो अच्छा काम करेगा अगर हम लोग सारे काम करना शुरू हो जाए तो फिर उसके जो रिजल्ट हैं मेरा नहीं ख्याल है कि वो वो निकलेंगे जो हम चाहते हैं तो ये मेरा छोटा सा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू था आप फिर रिटायरमेंट के बाद एम डी भैरिया फाउंडेशन लगे थे विच इज शॉर्ट ऑफ अ डिफरेंट रोल अभी आपने बात की ना डिफरेंट डिफरेंट इन द सेंस कि एक आर्म फोर्सिस की सब मरीन की ज़िंदगी है और फिर एक भेरिया फाउंडेशन ऑफिस लाइफ है आपके लिए कितना बड़ा चेंज था जब आप रिटायरमेंट से एम डी भैरिया फाउंडेशन बने आई थिंक ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना एक तो मैं बड़ा अनसोशल था बिकॉज ऑफ माई समरीनिंग में मैंने एक हफ़्ता के बाद कराची से चला गया था तो मेरी सोशल नेटवर्क बिल्कुल ज़ीरो था अच्छा फिर उसके बाद मैंने स्पेशल काम करना शुरू किया तो जो रही सही कसर थी वो पूरी हो गई यानी कि मैं जो काम करता था आई कुड नॉट शेयर विद एनी बडी और पंद्रह साल इस तरह काम किया तो वो जो स्किल होती है ना मिलने जुलने की वो भी खत्म हो गई मेरी अच्छा फिर अचानक ये वाला काम जो था ये बिल्कुल चैलेंजिंग था एंड मैंने इसको चैलेंजिंग लिया और और मैं समझता हूँ कि वो काम जिस तरह मैंने आ, सोचा था कि हमारे यहाँ क्या होता है कि देखिए सबसे बड़ी खराबी ये होती है फौज जो हम लोग ट्रेंड होते हैं हमारी हम अनलर्न नहीं करते फर्स्ट यू हैव टू अनलर्न एंड देन लर्न तो तफाक से वो मेरी थी तो कमांड बहरिया की लेकिन लकली कह लें आप या कि वो बिल्कुल ऑपरेशनल कमांड बन गई वो इस तरह बन गई ऑपरेशनल कमांड कि नेवल चीफ की बड़ी ख्वाहिशात थी बिलू इकोनॉमी पर तो उन्होंने जो भी मुझे काम दिया लाइक ही वॉन्टेड टू मेक शिपियाड तो मैं हेलीकॉप्टर काप्टर पर जा रहा हूँ देखने के लिए मैं रशिया जाके बात कर रहा हूँ ही वॉन्ट टू मेक का कोई मैस बनाना चाहते तो मैंने मलेशिया से एक से रबता करना शुरू कर दिया कि ये करो ही वॉन्टेड टू के पाम ट्री लगाया जाए मैंने ऑस्ट्रेलिया से बंदा बुला के उस पर चलना शुरू हो गया फिर हमारा एक सीकिंग हेलीकॉप्टर एक्सीडेंटली गिर गया था तो उसको uh, चूँकि इतनी डब पे था कि पाकिस्तान में कोई कैपेबिलिटी नहीं थी तो वो एक चैलेंजिंग था कि उसको हमने फिर मैंने वो दुबई से पार्टी बुला के उसको किस तरह रेस्क्यू करवाया और किस तरह गवर्नमेंट के साथ uh, जो फंड चाहिए थे वो मिला के तो इस तरह मेरा बड़ा लेकिन एक जो मेरे जहन में चीज़ थी जो कि आई थिंक मैंने अपनी छोटी सी किताब में भी जिक्र किया उसका कि हमारा जो काम है वो हमें करना चाहिए तो मैंने क्या किया कि जो काम इरेलीवेंट थे वो बंद करा दिया वो मुझसे नाराज भी हुए लोग मैंने कहा क्या देखेंट लाइक लाइक बेरिया पेंट्स हमारा काम नहीं है पेंट बनाना ये मसला इसमें होता है इट्स नॉट फेयर यू नो पीपल कीप टू बुक्स वगैरह हम दो बुक्स नहीं कर सकते हमें तो एक ही बुक रखनी है हर चीज़ की इस तरह स्टिचिंग यूनिट बना रहे हैं कोई तुक नहीं बनता प्रॉपर्टी में है तो आप जो आपका काम है वो करें आप तो वहाँ पर मैंने ट्रांसफॉर्म इस तरह किया कि अलहमदिल्ला हमने ड्रेजिंग कंपनी बनाई जो ड्रेजिंग कोई और नहीं कर सकता नेवी के अलावा आई मीन एक्स नेवी के अलावा इस तरह हमने मेरी टाइम सर्विसेज़ स्टार्ट किया ट्रांसशिपमेंट हब बनाया बड़ा बिग प्रोजेक्ट था कि भाई बॉन्डेड वेयर हाउस टाइप ना ये काम है जो रिलेटेड नेवी के हैं ना तो और यहाँ पर जब क्राइसिस हुआ बारिश वगैरह में हमने बड़ी हेल्प की उनकी पैसे भी कमाए कि भाई पाइप हमारा तो दो शिप के पाइप कनेक्ट अप कनेक्ट अप होते हैं तो हमने उनको भी रिपेयर करके दे दिया पी को फिर एल पे बहुत काम किया बहुत काम किया एल पे लेकिन वो कनेक्टिविटी नहीं थी इसलिए हम नाकाम रहे हम चाह रहे थे कि हम दूर लेके जाएं चुरना आइलैंड की तरफ लेके जाएं गवर्नमेंट चाहती थी कि नहीं आप पोर्ट में करें हम कहते थे कि पोर्ट में जो उनकी सेफ्टी नहीं है तो बहरहाल वी ट्राइड और बेस्ट एक्सप्लोरेशन hmm. पे काम किया हमने चाइनीज़ के ऊपर तो इस तरह की चीज़ें जब आई तो बड़ा चैलेंजिंग काम हो गया लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट जो लाना चाह रहा था कि देखें होता है क्या है कि हम जो नेवी से एज एडमिरल रिटायर होते हैं फिफ्टी होते हैं तो तीन साल तो आपका वैसे भी साठ में होता है तो तीन साल तो ये भी आपके पास और साठ साल कोई ऐसी एज नहीं है जिसमें आदमी जो फौरन गिव अप कर जाए और आ, कर जाए तो वो एक बड़ा और दूसरा मैंने ये किया कि जो मुझसे बड़े थे लाइक बिजनेस मैन आई वेंट टू देम मैंने कहा देखिए मेरा ये प्रॉब्लम है मेरा ये एक्सपर्टीज़ है लेकिन मेरी ये एक्सपर्टीज़ नहीं है तो उन्होंने मुझे गाइड भी किया मेरी हेल्प भी की एंड आखिर में तो उन्होंने अच्छे रमाज भी पास किए कि भाई आपको तो नहीं में नहीं आपको तो बिजनेसमैन बनना चाहिए मैंने कहा <laughs> आप मेरा मजाक कर रहे हैं क्या तो बहरहाल तो मैंने जो लोगों से कोर्स कराने की कोशिश की कि सबसे बड़ी फ़ौज में या जो तीनों इदारों के लोगों की प्रॉब्लम यंग एज हो चाहे ज़्यादा एज हो मेरी झातीी ख्याल ये कि लोग ना

सिक्सटी पे रिटायरमेंट होती है मतलब फिफ्टी सेवन hmm. पे फिर आगे एक सोट ऑफ थ्री ईयर विंडो होता है लोग जो मिलिट्री में होते हैं मैं हमेशा ये सोचता हूँ दे गो फ्रॉम मतलब जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है आई थिंक टाइम्स मैगज़ीन में हंड्रेड मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड में टॉप ट्वेंटी में होता है टॉप टेन में होता है आपकी आर्मी चीफ नेवल चीफ एडमिरल्स इस लेवल की आप uh, पे होते हैं और फिर एकदम से रिटायरमेंट हो जाती है और एकदम से एक डिफरेंट दुनिया है कल से जहाँ आपके पीछे यू you नो know, इतनी बड़ी एक फौज चल रही है कितना डिफिकल्ट या कितना डिफरेंट होता है एकदम से रिटायरमेंट आफ्टर यू नो दिस जिस तो बिजनेसमैन का नहीं होती है। आपने बड़ा सेंसिटिव सवाल पूछा और <laughs> टाइमली बड़ा अच्छा है बिकॉज uh, मैंने तो सारे फेस देख लिए बिकॉज hmm. एक पीक था जब आई वॉज कमांडिंग यू नो फोर्स कमांड कर रहा था और यू नेम मैनी थिंग आई हैड फिर बहरिया में भी आया तो वो भी आपकी पावर थी तो अब तकरीबन बैरिया को भी फारग हुआ दो ढाई दो साल से ऊपर हो गया मुझे तो मैंने सारी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है लेकिन मैं अपने दोस्तों को इसके बारे में कहता हूँ कि देखिए इट्स ऑल माइंड सेट मिसाल के तौर तो पर मैंने अपनी जिंदगी कैसे आसान की कि जब मैं बैरिया से फारिग हुआ क्योंकि बैरिया में मुझे फैसिलिटीज़ मिली हुई थी चाहे सिक्योरिटी हो चाहे वो गाड़ी जब हो जब बहरी से फारुग हुआ तो मैंने कहा यार सारे स्टार को साइड पर रख लूँ स्टार से ही आप गड़बड़ शुरू होती है ना वन स्टार टू स्टार थ्री स्टार फोर स्टार मैंने सारे स्टार साइड पर किए तो जब मैंने गाड़ी खुद चलाई तो मेरे बच्चे मुझसे कहते पापा आप गाड़ी चलाएंगे hmm. तो मैंने कहा भाई पहले मैं चलाता ही था गाड़ी <laughs> सिर्फ hmm. सिर्फ गाड़ी नहीं चलाता था बाइक पे स्टार्ट किया hmm. था ठीक है सो so, जब माइंडसेट आपका सेट हो गया आपको कोई फील नहीं होता ना जैसे मैं मुझे पता था कि यार द मोमेंट आई विल बी फ्री फ्रॉम भैरियो ऑल्सो तो ये जो कनेक्टेड लोग हैं जो मुझे ये भी खत्म हो जाएंगे वैन आर मेंटली रेडी एंड तो और अपने आप को इंगेज मैंने कैसे किया कि आई वर्किंग फॉर फाइव सिक्स एन ठीक है छोटी सी किताब भी लिख दी और एक और किताब के चक्कर में एक रसालों को स्पॉन्सर करता हूँ एक अस्पताल वाले मेरे पास आते हैं तो ये सब काम प्रो बोनो ठीक है चर्च सेटफेक्शन के लिए वहाँ गड़बड़ होती है जहाँ पे लोग अपने पुराने उससे नहीं निकलते वो उसको रिपीट करते रहते हैं कि यार मैं तो यहाँ सा था मेरे पास तो ये चीज़ थी अब देखिए दुनिया में मैं एक दो एग्जाम्पल्स हैं मेरे जो यू के एग्जाम्पल्स भी हैं मेरे पास और मेरे पास यू के एग्जाम्पल्स भी हैं जहाँ वो गए जनरल गया उसने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि मेरे गुजारा नहीं हो रहा तो उसने कहा देखिए सर्विस में जब आप थे आपको सब कुछ मिलता था hmm. अब जो ये टैक्स पेयर की मज़, पैसे हैं ये हम रिटायर्ड वालों के लिए नहीं हम तो बहुत लकी हैं हमें तो आई डोंट थिंक कि जितना प्रिवेज हमें मिल रही है दुनिया में किसी जगह मिलती होगी उसके बावजूद भी अगर हम खुश ना रहें और अपना टाइम यूटिलाइज ना करें तो आई थिंक इट्स इसी तरह यू में जाएँ तो यू वालों के कॉन्सेप्ट ये है कि वो रिटायरमेंट के बाद बड़े जिसे कहते हैं ना एंशियसली वेट करते हैं रिटायरमेंट का आई मेट पीपल वो कहते हैं यार नाट टाइम इज़ कमिंग मैं अपने शौक़ पूरा करूंगा अगर उसका शौक है कि वो होम फर्नीचर बनाएगा तो कह गया यार बच्चे जिंदगी मैंने इसको इंजॉय करना है वो अपने रैंक कभी भी बाहर मेरी तरह लगाता नहीं है वो ठीक है ना वो कहता है यार वो पास था मेरा तो हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं दुनिया में हम नए हम जिस जब इसको फॉलो करेंगे और ये सब्जेक्ट इतना अच्छा है कि मैंने नेवल चीफ से जब आखिरी मुलाकात कर रहा था तो मैंने कहा कि जो रिटायर होता है उसको मेरे पास भेजा करना बिकॉज ये वाली टेक्निक मेरे पास मोटिवेशन <laughs> <जो> वाली है <laughs> तो वो हंस के कहने लगे यार यू आर वेरी पॉजिटिव थिंग हर कोई इस तरह नहीं होता <laughs> तो मैंने कहा बट आई थिंक आई कैन गाइड दैम ठीक है मोमेंट चाहे यंग अफसर हो चाहे एडमल हो चाहे कोई भी हो इनको जब थोड़ा सा बात बताई जाएगी समझ में आ जाएगी तो वो इन शाला देखे एन्जॉय दिस इज वट आई थिंक और सिर्फ मैंने सोचा नहीं बल्कि अलहमदिल्ला मेरे पास प्रैक्टिकल इसका एक्सपीरियंस है कि जब आपको कोई तकलीफ नहीं होती ना आपको जब आप कहते हैं कि यार ये कल आदमी जो था ये मेरे आगे पीछे घूम रहा था और आज जो ही है ये तो आप ऐसे ही होगा बिकॉज उसके पास टाइम नहीं है ये इज़ बिज़ी मिसाल के तौर पर कोविड में मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं तो मेरे पास आए कहने लगे कि मैंने उनको कोशिश की कि भाई मोटिवेशन लेक्चर देने की कोशिश की कि भाई कोविड है तो आप पैसे ना कमाएं यूँ ना करें यूँ ना करें फला ना करें वो हंस के मुझसे कहने लगे देखिए आपकी सोच मुख्तलिफ है हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ठीक है तो आई रियली लाइक इट देखिए इस माइंड ना कि भाई बिज़नेस है भाई बिजनेस से चांस मिल रहा है उन्होंने करोड़ रुपये कमाए ठीक है तो आई थिंक नहीं नहीं, नहीं तो प्लेजर <laughs> बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत कुछ समझने को मिला थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पॉडकास्ट um थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड विल सी यू फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट